नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने देखा आज हम बात करेंगे वेटनरी डिप्लोमा एंट्रेंस कोर्स के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपनी वीडियो का आरंभ। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड बाज जंग की घड़ी की। मैं आपके साथ एनिमल दोस्त, और आज मैं बात करूंगा आप भी एनिमल दोस्त कैसे बन सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, ये वीडियो बहुत ही जरूरी होने वाला है आपके लिए। मैं बात करूंगा PDET प्री डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। चलिए बताता हूँ क्या क्या। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, इसके फॉर्म आ चुके हैं और एग्जाम डेट और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहाँ से चेक कर लें। और उसके बाद सबसे पहले आप एलिजिबल कैसे, सबसे पहले आपके पास 12th क्लास में PCB फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होनी चाहिए, और आपके पास आपकी एज 17 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए। 17 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। ये एज आपकी 31 दिसंबर 2020 जब भी आप फॉर्म देंगे उस समय तक लिखी जाएगी, ठीक है। तो आपको बता दिया मैंने फॉर्म आ चुके हैं, एग्जाम डेट और एलिजिबल, ठीक है। आप अगर एग्रीकल्चर या किसी और साइंस से हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। सेंटर 5 जिलों में रहेंगे, सबसे पहला मथुरा, बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, और ये कौन सा रहेगा, कौन सा रहेगा। तो ये करने के बाद आपको इसमें क्या बताया जाएगा, इसमें आपको इसका टाइम पीरियड होता है 2 साल 3 महीने, ठीक है। कितना, 2 साल की आपकी पढ़ाई चलेगी डिप्लोमा, फिर 3 महीने आपका इंटर्नशिप रहेगा। तो इसमें आपको कई सारी स्किल्स सिखाई जाएंगी जिससे आप फ्यूचर में बहुत ही अच्छी जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्किल्स इसमें क्या क्या सिखाई जाती हैं, अब इसके बाद फर्स्ट एड कर सकते हैं एनिमल साइंस में, बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस आपको सिखाया जाएगा बहुत ही अच्छे तरीके से, और वेटनरी फार्मेसी, 2 टाइप की शिफ्ट होती है, वेटनरी फार्मेसी एंड ELO, ठीक है। वेटनरी फार्मेसी के ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, और आजकल रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यूपी गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन भी करवा रही है। मैं आपको केवल यूपी डिप्लोमा के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। आप एनिमल केयर करने लग जाएंगे और एनिमल फूड एंड न्यूट्रिशन में आपको महारत हासिल हो जाएगी, और एनिमल हैंडलिंग एंड क्लीनिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये सारी स्किल्स जिसमें जो है आपको सिखाई जाएंगी 2 साल 3 महीने में। आप वेटनरी क्लिनिक के अच्छे खासे आप किसी भी वेटनरी ऑफिसर के साथ में वेटनरी फार्मासिस्ट के तौर पर जॉब कर सकते हैं। तो इस एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में क्या होगा, क्वेश्चन पेपर में 200 क्वेश्चन होंगे, तो 50% होंगे बायोलॉजी के एंड 25% होंगे, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे बायोलॉजी के और 50 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के, 50 केमिस्ट्री के, और आपका 200 का तैयार हो जाएगा। केवल एक ही एग्जाम होगा इसका, प्री मेन ये कुछ नहीं होगा, केवल एक होगा। लेकिन वेटनरी साइंस में जो PVT में उसमें 2 एग्जाम होते हैं, पहला प्री बाद में, लेकिन डिप्लोमा में आपको केवल एक ही एग्जाम देना पड़ेगा। इसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए, आप वेटनरी क्लिनिक पर जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रिलेवेंट एनिमल डिपार्टमेंट्स में, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनिमल केयर सेंटर से NGOs वगैरह में आप जॉब कर सकते हैं, एनिमल केयर सेल्टर और जूज में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में अभी बहुत कुछ बताना बाकी है, तो वीडियो को पूरा देखिए आगे तक। तो फीस कितना लगेगा आपके 2 साल 3 महीने में, फीस क्या लगेगा, 4 सेमेस्टर में, 4 सेमेस्टर का अलग अलग फीस है। तो फीस के बारे में अगर पूछना चाहें कमेंट बॉक्स में आगे पूछ लें, और भी कुछ भी इसके बारे में आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं फ्यूचर में भी ऐसे आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और एनिमल रिलेटेड वीडियो अपलोड करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।